मार्च महीने में फैले कोरोना वायरस ने 2 महीनों में 69 का आंकड़ा पार कर दिया था, जो अब बढ़कर 58,000 हो गया है। यदि कोई व्यक्ति अस्पताल जाता है तो सही जानकारी नहीं दी जाती। बहरहाल प्रशासन कोरोना नियंत्रण करने में नाकाम रहा है, ऐसा कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर का। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर प्रशासन, भाजपा के विरोधी पक्ष नेता, सांसद, विधायक चुप्पी साधे हुए है, ऐसा भी अनिल अहिरकर द्वारा कहा गया है। अनिल अहिरकर ने सरकार के सामने जनता की विभिन्न मांगों को भी रखा, जिसमें राशन कार्ड धारक, कोविड निशुल्क उपचार, बेड की स्थिति, इंटरनेट से जोड़ी जाए, जोन और पुलिस स्टेशन वाइज 24 घंटे कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए यंत्रणा शुरू करें, प्रत्येक 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था, होम क्वारंटाइन मरीजों को घर में वैद्यकीय सुविधा की जानकारी देने के लिए डॉक्टर नर्स की अलग व्यवस्था, सामान्य मरीजों के लिए दवाई की जानकारी प्रशासन जारी करे, जैसी मांगे शामिल है। प्रशासन द्वारा हो रही लापरवाही के चलते अनिल अहिरकर का कहना है कि शहर में भाजपा के 4 विधायक व 108 नगर सेवक है, संपूर्ण मनपा पर इनका राज है, लेकिन कोरोना नियंत्रण में लाने के लिए इनकी प्रशासकीय यंत्रणा पूरी तरह नाकामयाब हुई है। मनपा प्रशासन की 226 कर्मचारी, जिलाधिकारी, आरोग्य अधिकारी, विभागीय आयुक्त क्वारंटाइन है। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण भी, इन्होंने भी सभी मीटिंग स्थगित की है। बहरहाल पूरा प्रशासन ठप है, लोगों को मरने के लिए रास्ते पर छोड़ दिया गया। उपचार के अभाव में अस्पताल के दरवाजे पर परिवार का कर्ता धरता दम तोड़ रहा है। किसी भी अस्पताल में फोन करो, जवाब एक ही आ रहा है कि बेड नहीं है। नागपुर की जनता भयावह कोरोना संक्रमण से भयभीत है, जान हथेली पर रख कर मरीजों को एडमिट करने के लिए दर दर भटक रही है। शासन कोविड के लिए महानगर पालिका को निधि भेज रहा है, लेकिन इसका विनियोग कहाँ हो रहा, इसका कोई हिसाब नहीं। आखिरकार ये निधि कहाँ गया? मनपा को 4 महीने के कार्यकाल में खुद का अलग कोविड अस्पताल नहीं बना पाई, 10,000 बेड का अस्पताल नहीं बना पाई, 10,000 बेड की सुविधा और ऑक्सीजन व बेड उपलब्ध, ऐसा जनता से झूठ कहा गया। जोन वाइज दिए गए अधिकारियों के नंबर लगते ही नहीं, और लग भी गए तो उन्हें कोरोना संदर्भ में कोई जानकारी नहीं, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। इस सभी बातों के लिए जिम्मेदार भाजपा मनपा है, ऐसा आरोप अनिल अहिरकर ने लगाया है। अनिल अहिरकर ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पहल करते हुए नागरिकों के मदद के लिए टास्क फोर्स की स्थापना की है। टास्क फोर्स के संचालक सदस्य श्रीकांत शिवनकर, विशाल खांडेकर, रवि पराते, अविनाश शेरेकर, स्वप्निल अहिरकर, इन्होंने बताया कि मेयो मेडिकल मनपा प्रशासन से कोई भी जानकारी नहीं है। मरीज पॉजिटिव आने के बाद करना क्या है ये समझ नहीं, सामान्य दवा के बारे में जानकारी भी नहीं, तो फिर ऐसे परिस्थिति में सहायता भी कैसे करे, अब जनता क्या करे, प्रश्न निर्माण हो रहा है। इन बीच न्यूज के लिए दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।